देहरादून की रहने वाले अभिषेक बोरा को पुलिस ने भागलपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभिषेक बोरा दुर्लभ कश्यप गैंग का सदस्य है और पिछले 15 दिनों से भागलपुर के एक होटल में अपने दो अन्य साथियों के साथ रुका हुआ था। देर रात साक्षक थाना क्षेत्र के पानी टंकी के पास एक व्यक्ति से मोबाइल लूट करने के क्रम में इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं इसके पास से एक चाकू बरामद किया गया है। इसके अन्य दो साथी फरार हो गए हैं। गिरफ्तार अपराधी ने पूछताछ के क्रम में कई बड़े खुलासे किए हैं। ये लोग भागलपुर, कोलकाता और पटना में स्वर्ण व्यवसायी के प्रतिष्ठान में लूटपाट करने की योजना बनाकर देहरादून से यहां पहुंचे थे। ये लोग दूसरे के लूटे गए मोबाइल को लूट के क्रम में इस्तेमाल करते थे, जिससे दूसरे के मोबाइल रहने के कारण पुलिस इन तक नहीं पहुंच सके। वहीं मोबाइल लूट के दौरान ये पकड़ा गया, जबकि इसके दो साथी फरार हो गए। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। जमालपुर से चलकर भागलपुर के रास्ते होकर हावड़ा जाने वाली सुपर एक्सप्रेस में गुरुवार से एलएलबी कोच लगने के बाद वो उस ट्रेन से हावड़ा रवाना हुए। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। इससे पहले सबौर के लोदीपुर और कुलपति पंचायत के ग्रामीणों ने भी उनसे मुलाकात की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इंडिया अलायंस से एनडीए का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, अलायंस का क्या हर्ष होने वाला है यह अभी से दिख रहा है। जंगल राज का असर बिहार में दिखने लगा है। बिहार की महागठबंधन सरकार भी लाठी और गोली दिखाने लगी है। बिहार की महागठबंधन सरकार लाठी और गोली की सरकार बन गई है। बिजली की मांग करने वालों को गोली मारकर शांत कर देना कौन सा तरीका है? आम लोगों की आवाज को लाठी और गोली से दबाने की कोशिश हो रही है। कटिहार में जिस तरह युवाओं को शहीद किया गया, यह सरकार पर सबसे बड़ा कलंक है। प्रधानमंत्री जी ने भारत मंडपम के उद्घाटन समारोह में जो बातें कही है वो बात जनता के दिल तक पहुंच गई। उन्होंने जनता जीता है और फिर से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक मारेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश चल रहा है। जो 14 और 19 में जो वोट मिले वो तो प्रधानमंत्री जी को और ताकत से वोट देंगे, लेकिन जिन लोगों के वोट 19 में नहीं मिले वो वोटर भी अब प्रधानमंत्री को वोट देना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कोई भेदभाव नहीं किया अपनी योजना में, किसी जात से, किसी धर्म से। प्रधानमंत्री जी ने जो कुरान शरीफ का विषय आया, जो स्वीडन में जलाने का, उस पर यूएन में जो प्रस्ताव आया कि उसकी निंदा की गई, उसमें अमेरिका, यूरोप ने तो विरोध किया, लेकिन भारत ने इस बात का सपोर्ट किया, निंदा का। उन्होंने कहा किसी को भी, किसी के भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने की इजाज़त नहीं हो सकती। इससे पूरे देश में भारत की छवि मजबूत हुई है, पूरे दुनिया में। आज इस्लामिक देशों में भी नरेंद्र मोदी जी की अच्छी साख है। हम लोग उनको प्रधानमंत्री बनाने में 14 में भी योगदान नहीं दे पाए, क्योंकि बीजेपी यहाँ नहीं जीती। 19 में भी उनके छाती पर कमल नहीं लगा पाए। इस बार 19 में उनकी छाती पर भागलपुर वाला भी कमल लगेगा। 24 में, 19 में नहीं लगा पाए, लेकिन 2024 में भी भागलपुर का भी कमल उनकी छाती पे लगेगा और वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हम लोग सात दक्षिण भागलपुर में भी स्टेशन बने, उधर भी साज सज्जा हो, यहाँ से कुछ और ट्रेन चलें। मेरे सांसद रहते डबलिंग हो गई थी रेलवे की, अब ये बहाना नहीं है कि डबल ट्रैक नहीं है। तो
तो हम लोगों ने पहले ही आपको बता दिया था कि रेल मंत्री से जब मिले थे तो उनसे कहा था कि यहाँ से राजधानी भी चले। एविएशन के क्षेत्र में काम होगा लेकिन रेल के क्षेत्र में भी भागलपुर के लोगों की जो अपेक्षा है उसको पूरा करें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी जब घोषणा हो जाएगी कुछ और ट्रेनों का तो उसकी सूचना देंगे। अभी ये जो LHV कोच है, लंदन से, अमेरिका से, यूरोप से जो भी भागलपुर के लोग हैं, वो डायरेक्ट फ्लाइट तो न पटना आती है न दरभंगा आती है, जो विदेश से फ्लाइट आती है सब कलकत्ता आती है, और उसमें ये लिंक का काम सुपर एक्सप्रेस जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस करती है। लेकिन इसकी बॉगी बहुत पुरानी थी, अब LHV बॉगी हो गई है। तो मैंने ये तय किया था कि जब तक LHV बॉगी नहीं होगी हम इसमें सफ़र नहीं करेंगे, तो उन लोगों ने जल्दी लगा दिया। आज उसी से पैसेंजर की तरह मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, LHV कोच हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम मैं भी इसमें एक पैसेंजर के नाते मैंने भी बुकिंग करा ली थी, तो मुझे तो आना भी था इससे और जाना भी था इससे। लेकिन बहुत डिमांड थी मीडिया के लोगों के भी कि ये बड़ी प्राइम ट्रेन है कलकत्ता जाने के लिए, तो ऐसे तो मैंने मांग की है बहुत पहले ही कि वंदे भारत कलकत्ता से, रांची से भागलपुर आए। इसके लिए रेल मंत्रालय जब निर्णय करेगा तो हम आपको सूचना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून, लुक सलून। लुक सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का चेतावनी लेवल 32.68 मीटर है। जलस्तर अभी 30.83 तक पहुंच चुका है। गंगा चेतावनी लेवल से करीब 2 मीटर ही नीचे है। बढ़ते जलस्तर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है, किसानों के खेत डूब चुके हैं। जिले के सबौर प्रखंड अंतर्गत रजंदीपुर में गंगा किनारे तेज कटाव हो रहा है। पिछले वर्ष तक हुए कटाव में ग्रामीण सड़क काटकर गंगा में समा गई थी, वहीं अब खेतों में लगे फसल को किसान समय से पूर्व तोड़ने लगे हैं। हर वर्ष इस इलाके में बाढ़ आती है और आसपास के गांव जलमग्न हो जाते हैं। जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कटाव एकदम पूरा छो भैया, कोई कटाव रुके वाला नहीं छो। बोरा गिरेगा तब ये थमेगा, तब ये बांस गोरो गिरेगा तब ये थमेगा, नहीं तो नहीं थमेगा। ये जलस्तर बढ़ रहा है? हाँ, जलस्तर बढ़ रहा है, परसों से बढ़ रहा है, बहुत रहता है। तो पूरे गांव में समाज है अपना है, तो यहाँ से मांस लेकर एक नंबर से मांस 1 नंबर तक, 7 नंबर, 8 नंबर तक अपने आदमी सब है। वो आदमी से नहीं आवेगा, बोलेगा कि हाँ भाई कटा लग रहा है। मुखिया उप मुखिया है तो वो कम से कम आना चाहिए। क्या लगता है फिर पानी आ जाएगा गांव घर? हाँ, पानी तो आवे करेगा, पानी नहीं आवेगा समुचा जल भल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी है आप लोग का पानी आने से पहले? क्या तैयारी? हाँ, तैयारी तो मचान तचान बना दिया है, कहीं नहीं जाना है घर छोड़ के। कहाँ मचान बना है? घर पे देखिए मचान आगे बड़ा हुआ है, बड़का बड़का। क्या नाम हुआ? अजय मंडल हुआ नाम हमारा। कहाँ रहते हैं कटने के बाद? रहते हैं वहाँ जाके कृषि कॉलेज में, पानी हो जाता है सब वहाँ बुला भाग जाता है। ब्लॉक पे रहते हैं? हाँ, एक आदमी रहता है एक घर पे खाली जोगवारी करने के लिए।